जन की बात हमारे साथ। बता रहा था कि आज नौवीं तारीख है मुहर्रम की, और इस नौवीं तारीख की आज रात है। आप जानते हैं कि रात बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की रात में पूरा मुस्लिम समुदाय मुहर्रम की फाइनली तैयारी में रहती है, खास करके महिलाओं का बड़ा उसमें एंगेजमेंट रहता है। बावजूद मैं अभी इस रात में यहाँ खड़ा हूँ, क्या कहते हैं, प्रखंड सहांचल कार्यालय जमुआ गिरिडीह में। आप देखिए दरवाजे बंद हैं, वो बंद रहने ही चाहिए चूंकि रात है। और इसके ठीक सामने आप देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है और कई महिला और पुरुष यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये बैठे आज से नहीं है, ये आज इनके धरने का शायद 24वां दिन है। और ये 24 दिनों से अनवरत अपनी जमीन और अपना मकान बचाने के लिए यहाँ पे अनवरत बैठे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनका ये बैठना, इनका ये सत्याग्रह अखबार का सुर्खियां नहीं बन पाया। सारे अखबारों ने, सारे प्रमुख अखबारों ने, सोशल मीडिया के चैनलों ने और पारंपरिक जो टीवी चैनल हैं उसके चैनलों ने इसको बड़े शिद्दत से दिखाया, बहुत प्रमुखता से दिखाया। बावजूद हम आपको ये कहना चाहते हैं कि पदाधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। और मुहर्रम हम सभी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, और ये बलिदान का त्यौहार है। और इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि गुरु टूट गया कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद भी कोई हासिल जफा ना मिला, सिर तो मिला है अजीदों को लेकिन फिर भी सितम ये है कि वो झुका ना मिला। तो ये बलिदान का त्यौहार है, और इसी बलिदान को त्यौहार को यहाँ पे जो मुस्लिम समाज की जो रैयत है वो पिछले 23 दिनों से, आज 24वीं रात है, यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। आप देखिए टेंट लगा हुआ है, और क्या महिला क्या पुरुष सभी बैठे हैं जो अभी त्यौहार में संलिप्त होती, खास करके महिलाओं का बहुत काम होता है इस त्यौहार में जहाँ तक मुझे जानकारी है, बावजूद ये बैठे हुए हैं और इस आस में बैठे हुए हैं कि कभी तो साहब की नींद टूटेगी, कभी तो दिल पसीजेगा, कभी तो रहम आएगा, कभी तो लगेगा कि चलो बात कर लें, कभी तो ये समझ में आएगा कि देख लेते हैं क्यों बैठे हैं, क्या दुख है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस जिले के साहबानों को इनकी तकलीफ मालूम नहीं है, क्योंकि इससे ठीक 7-8 माह पहले सर्द रात में इन लोगों ने पखवाड़ा बिताया था यहाँ पे। सर्द रात में यहीं खिचड़ी की डेग चढ़ती थी और यहीं पे बैठे रहते थे, संख्या इससे और ज्यादा थी। पदाधिकारी आए थे मुझे याद है, और उस पदाधिकारियों ने आश्वासन भी दिया था सब कुछ ठीक कर देने का, बावजूद ठीक क्या होगा और उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर ये मसला क्या है और क्यों फिर आश्वासन के बाद यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे नेतागण भी बैठे हुए हैं जो इस धरने को लीड कर रहे हैं। यहाँ पे असगर साहब हैं जो भाकपा माले से हैं। आप इससे 7 माह पहले भी आप लोगों ने रैयतों के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, तो उस समय क्या बात हुई थी कि आप उठ गए थे, और फिर क्या बात हुई कि फिर आपको बैठना पड़ा? जी, सबसे पहले मैं तो आज ये बड़ा दुख के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि आपकी रिपोर्टिंग में अभी ये बात आ रही थी कि ये मुहर्रम का जो है नौमी चल रहा है और ये धरना का जो है आज 24वीं रात है। 24 दिन यहाँ पे जो है गरीब अल्पसंख्यक 40 परिवार के लोग बैठे हुए हैं, और बड़ा दुख है। ये लोकतांत्रिक देश में, ये एक तरफ कहता है कि ये देश जो है लोकतंत्र तरीके से चलता है, लेकिन ये आज जो है ये धरना एकदम स्पष्ट करता है कि अब लोकतंत्र कोई चीज बचा ही नहीं है, सिर्फ एक वो शब्द और किताबों में बन के रह गया है। अब ये बात अभी जो है कि अगला पिछला बार जो यहाँ पे धरना 13 दिन चला था, जी जी, और 13 दिन धरना जो समाप्त हुआ था, 13 दिन के बाद वो SDM साहब का आश्वासन और AC साहब और DC साहब का आश्वासन था, और उसके आश्वासन पर अंचल अधिकारी द्वारा लिखित जो है दिया गया कि जो डीड फर्जी डीड बना है वो हम स्वीकार करते हैं, जिसका सारा प्रूफ भी ये अंचल अधिकारी द्वारा दिया गया था, और उसमें लिख के दिया कि वो जो डीड है वो फर्जी डीड है और उस डीड को जो है वैलिड नहीं माना जाता है, और जो LPC फर्जी LPC जो भेजा है नाजिर द्वारा उसका पापत्र का गठन कर दिया गया है, और
एक जो है भूमाफियाओं पर मुकदमा भी हुआ है, उस मुकदमा पर भी जो है भूमाफियाओं को जेल भेजा जाएगा। लेकिन ये तीनों सवाल जो है सिर्फ वो एक कागज का टुकड़ा बन गया जो आश्वासन मिला था, वो उससे अलावा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि 7 माह जब बीत गया तो 7 माह बीत जाने के बाद जो किसान जो है खेत की ओर रुख करना समय आया, जब किसानों ने जो अपना खेत की ओर रुख किया तो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो है उनके हाथों में एक फिर से नोटिस थमा दिया गया। अच्छा, वो नोटिस ये था कि उस जमीन पे जो है 4.5 एकड़ जमीन पर 144 लगा दिया जाता है। अच्छा। मतलब कि आप जो है उस वहां पे ना आप बुनाई कर सकते हैं ना खेती कर सकते हैं, मतलब उसको बाधित कर दिया गया। जब ये नोटिस जो है हम तक पहुंचा, हम लोग ने देखा, नहीं तो उस जमीन पे तो हम समझते हैं कई मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं जी, तो ऐसे में 144 कैसे लग सकता है? नहीं लग सकता है। अच्छा, अभी तक हम लोग देखे हैं यही अनुमंडल पदाधिकारी जो है 10 कट्ठा या फिर जो है 5 कट्ठे पर हार्डली लगता है, वो भी जो है कहता है कि 10 फीट से नीचे अगर दीवार हो तब हम लगाते हैं। लेकिन वहां तो ऑलरेडी कितना मकान है, 3-4 मकान है जहां पे लोग पूरे परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद वहां पे पीछे खेत है, कुछ बारी है जहां पे जेठुआ भी लगता है, धान भी लगता है, गेहूं भी लगता है, और वो उस जमीन पे जो है उस डीड को वैलिड मानते हुए एसडीएम साहब जो है उस डीड के अनुसार 144 लगा दिया जाता है। जबकि एक तरफ ये कहते हैं कि वो डीड फर्जी है, जब वो फर्जी है तो फिर उस डीड को लीगल माने सरकारी दफ्तर में कैसे माना गया? और उस डीड को मानने का मतलब अर्थ एकदम ये साफ है कि आप समझ सकते हैं कि पूरे जिले में जिस प्रकार से भू माफियाओं का सिंडिकेट बना हुआ है, अफसर जो है पदाधिकारी जो है उनके चुंगुल में है, जो चीज नहीं होने कराता है वो भी पदाधिकारी जो है पैसे के बल पर करते हैं। ये साफ है, ये साफ दिख रहा है इस आंदोलन में कि जो कार्य नहीं होना चाहिए था, जो कार्य को आपने करने का आश्वासन दिया किसानों का, वो तो 7 महीना में हुआ नहीं। 7 महीना में ना का पप्पा पत्र का गठन जो किया था वो आज भी नाजिर जो यहाँ पे कार्यरत है। अच्छा। वो कार्य कर रहे हैं। देखिए उसके बाद जो उसमें डीड कैंसिलेशन का बात हुआ था कि जो है जिला द्वारा सक्षम कार्यालय द्वारा डीड को कैंसिलेशन किया जाएगा, वो भी सिर्फ जो है लिखा रह गया। तीसरा यह था कि जो मुकदमा हुआ था भूमाफियाओं के ऊपर, वो मुकदमा में 7 महीना में सिर्फ जो है जांच के नाम पर उसको जो है रख दिया गया, सिर्फ जो है भूमाफियाओं को बचाने का लगातार कोशिश किया जा रहा है। और जब अभी हम लोग जो है डीसी साहब को ये आवेदन दिए थे और हम लोग धरना के पूर्व 26 तारीख को ही अल्टीमेटम दिए थे कि 26 तारीख को हम लोग 6 तारीख को जो है आंदोलन में जाएंगे, तो समझ सकते हैं कि 26 से और अभी तक जोड़ने से 1 महीना से ज्यादा दिन हो गया। और 1 महीना से ज्यादा दिन में आप समझ सकते हैं कि 1 महीना में ना जिला ना अनुमंडल ना अंचल कोई अधिकारी इस बात को सुनने के लिए नहीं पसंद किया कि यहाँ किसान किस हालत में बैठे हुए, ना यहाँ लाइट का व्यवस्था है, ना यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये अभी जो बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में जो है सांप बिच्छू सब बाहर निकलता है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हमारी माँ बहने रहती है, उनको क्या होगा ये जानने का भी कोशिश नहीं किया। मतलब आप समझ सकते हैं कितना संसार ये इन पदाधिकारियों ने मैंने अपना सारा जो है निर्लज्जता एकदम खुल के दिख रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जम्मू जो है गिरिडीह जिला में है ही नहीं, या यहाँ पे कोई अधिकारी रहते ही नहीं है, ये स्थिति है। तो ये निष्ठुरता है, पदाधिकारियों का मन क्या है, संवेदनहीनता इतनी हो जाएगी ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। सही बात है, आज 24वीं रात है और महिला पुरुष छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मसला चाहे जो हो, आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए, आपको रहमी दिखानी चाहिए थी और बैठ करके मसले को सुनना चाहिए था, तब जब त्योहार में भी अपने विधि और कार्य को छोड़ करके महिलाएं यहां पर धरने पे बैठी है। मैं आपको बता दूं कि संवेदनहीनता यहां पे बढ़ती जा रही है। जो पदाधिकारी अपनी बैठकों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, महफिलों में बड़े बड़े दावे करते हैं, स्टेज में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनका सच क्या है वो ये धरना दिखाता है। और मैं आपको बताऊं, अभी तो मैं इस तहकीकात में लगा हूं, मैं आपको बताऊं कि इस तरह के कई मसले हैं। अभी राजधनवार थाने में एक गरीब का गाड़ी, जो बेचारा रोज कमाता खाता था, बगैर किसी मुकदमे का 1.5 महीने से खड़ा है, ना उस पर FIR हो रहा है और ना उसकी गाड़ी छोड़ी जा रही है। ये सारे मसले मैं लेकर के आऊंगा। मैं दूसरा मसला बताता हूं,
अभी परसों की बात है, राजधनवार बियासी से खुलेआम चावल की कालेबाजारी वहां के ऑपरेटर के द्वारा किया जा रहा था और पदाधिकारी उसे बचाने में लगे हैं। तो ये सारे मसले हैं, ये बताता है कि अगर आप चोर हैं, अगर आप बेईमान हैं, अगर आप बेईमानी कर सकते हैं, अगर आप चापलूसी कर सकते हैं, तो पदाधिकारी आपके मददगार होंगे। और अगर आप सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं, अगर आप अपने हक और हकूक की आवाज उठाते हैं, अगर आप चापलूसी नहीं करते हैं, अगर आप चमचाई नहीं करते हैं, तो पदाधिकारियों का डंडा किसी ना किसी रूप में आप पर चलेगा। मैं पूरे जिले की बात करता हूं। परपत्र का प्रशासनिक महकमे में वो चीज होती थी जिसके नाम से ही पदाधिकारियों के, बड़े बड़े पदाधिकारियों के तिरपन कांपते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस जिले में कई ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिस पर महीनों पहले परपत्र का गठित हो चुका है और वो मौज में है, वो सेवा दे रहे हैं, उनके कंधों पे ही प्रशासन के भार है। तो आप समझिए कि जब बिल्ली ही दूध की रखवाली करेगी तो वो दूध कितना सुरक्षित रहेगा। अभी मैं यहाँ पे इन लोगों का साथ देने के लिए ललन जाधव जी भी हैं भाकपा माले से। क्या है आखिर शुरुआती मसला, क्या है, क्या है इसे विवाद का सबसे बड़ा जड़? देखिए, विवाद का सबसे बड़ा जड़ ये है कि जब हम लोग शुरुआती 13 दिन जब हम लोग उठ कड़कड़ाती हुई ठंड में जब धरना में पीड़ित परिवार के लोग बैठे थे, तो हम लोग समर्थन करने के लिए आए थे, तो उस समय 13 दिन जब हम लोग धरना दिए, उस समय लिखित आश्वासन मिला कि ना यहाँ जो अंचल कार्यालय से फर्जी रसीद जो निर्गत हुआ है। कौन किया फर्जी रसीद निर्गत? वो जो यहाँ के एथी है, नाजिर है, वही। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? वही तो हुआ ना, लिखित आश्वासन मिलने के बाद फर्जी रसीद यहाँ से निर्गत हुआ है, फर्जी LPC यहाँ से निर्गत हुआ है, और फर्जी LPC में पूर्व के जो BDO साहब रहते थे उनका फर्जी सिग्नेचर, कह रहे हैं उनका रिकॉर्डिंग भी है कि हम उसमें सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो फर्जी आनी समझ सकते हैं कि अंचल अधिकारी के फर्जी सिग्नेचर भी वो भू माफिया ने करके और यहाँ से एथी करवाया, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है, और उसके बाद भी लिखित आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ, तो बाध होकर के ये पीड़ित परिवार जब देख रहे हैं कि हमको जमीन नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इससे बेहतर कि हम अंचल कार्यालय के समक्ष इंसाफ मांगते मांगते मर जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी हम अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे। इंसाफ मांगते मांगते मर जाएंगे लेकिन हम अपनी जमीन और मकान नहीं छोड़ेंगे। और ये सही बात है, 144 का नेचर होता है कि जब किसी भू के भाग में 144 लग जाता है तो वहां कोई कार्य नहीं होते। लेकिन वो भू भाग क्या जहां घर है, मकान है, लोग रह रहे हैं, आप उसमें कैसे 144 लगा देंगे साहब, और वो भी 4.5 एकड़ बड़ी भू भाग पे। आपको समझना चाहिए था, आपको नेचर देखना चाहिए था, आपको उस व्यक्ति का पूछना चाहिए था कि तुमने 144 का सिफारिश आखिर कैसे कर दिया। तो अभी तक 24 दिन बीत गया है, यहाँ के माँ बहन बच्चे लोग पूरे पीड़ित परिवार के लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं, झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि अगर 31 तारीख तक अगर पीड़ित परिवार के कोई समझौता में कोई ऑप्शन नहीं आते हैं, इनका सूद लेने के लिए अगर कोई उच्च स्तरीय पदाधिकारी नहीं आते हैं, तो भाकपा माले 1 तारीख को प्रखंड मुख्यालय में ताला जड़ने का काम करेगा। क्या करेगा आदमी, मरता ना क्या ना करता। आप लोग कहाँ से आए हैं? जमुआ से आए। क्या नाम है? सलमा खातून। आप लोग की जमीन है क्या? जमीन है सर। आपका क्या नाम है? सबनम खातून। तो क्या कीजिएगा, आज तो त्योहार, आज घर में रहना चाहिए था। तो कैसे रहे घर में, देखो तो यही मनाएंगे। त्योहार ही मनाइएगा, एक बार खड़ा हो जाइए आप लोग, त्योहार ही मनाइएगा। तो त्योहार तो बहुत विधि से होता है, विधि पूर्वक होता है, करबला की पूजा की जाती है, क्या क्या किया जाता है आप लोग ज्यादा जानते हैं, तो यहाँ त्योहार कैसे मनेगा? करने देगा तभी जब हम लोग कुछ रह भी नहीं। हैं? जब त्योहार मनाए जाएंगे तो हमारा त्योहार छुटा जाएगा, छूट जाएगा, तो जमीन तो लेना जरूरी। क्या नाम हुआ आपका? तरन्नुम खातून। कहाँ घर है? जमुआ। तो ये रात में भी यहाँ बारिश होती होगी, सांप बिच्छा निकलते होंगे, तो डर नहीं लगता? इसी तरह यहाँ सोते हैं, जब जमीन रहेंगे तो हम जान रह के क्या करेंगे। तो कोई मिलने उलने आया आप लोगों से? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ आश्वासन नहीं दिया? आपकी तो बड़ी उम्र है, क्या नाम है आपका? समीना खातून। तो कोई पदाधिकारी वगैरह आए नहीं? नहीं, कोई नहीं। तो ये स्थिति है, ये प्रखंड मुख्यालय है, मैंने आपको दिखाया, और तमाम तरह की बैठकें यहाँ हो रही है बादस्तूर।
अभी शांति समिति की बैठक जमुआ थाने में हुआ, बड़े बड़े पदाधिकारी आए, बड़ी बड़ी बातें हुई और कथित समाज सेवियों का जमवाड़ा भी लगा। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ जो महिलाएं मजबूर होकर के अपने बच्चों को गोद में लेकर के बैठी हैं, उसका सूद लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। मैं समझता हूं और मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना जाना है कि स्वतंत्रता के संग्राम में भी, भारत की आजादी के संग्राम में भी अंग्रेजों के भी आंसू निकल जाते थे जब इस तरह का सत्याग्रह चलता था। लेकिन मुझे बहुत कोफ्त है, मुझे बहुत तकलीफ है और मैं समझता हूं कि जब ऐसे हुकूमत की ऐसे दबंगई बढ़ जाती है तो व्यक्ति राह अलग चुन लेता है। मैं ना मुझे ये इल्तजा है ऊपर वाले से कि लोग का समस्या का निदान हो और ये राह अलग ना भटक जाए। लेकिन मैं प्रशासन से बार बार निवेदन करता हूं कि संवेदना को जिंदा रखिए साहब। आप भले कुर्सी में हैं लेकिन उस कुर्सी की हिफाजत करिए, अपने कर्तव्य का हिफाजत कीजिए। ये जो आंसू इन महिलाओं के रुआसे मन से जो ये कह रही है, मैं सिर्फ यही कहता हूं कि आंसू का एक कतरा भी तूफान होता है हुकूमत के लिए। तुमने देखा नहीं है इन आंसुओं की ताकत को। और हम फिर इल्तजा करते हैं कि आज मुहर्रम की नौवीं रात है, हम चाहते हैं कि इस रात को ही कोई पदाधिकारी आ जाए ताकि कल जो मुहर्रम का अखाड़ा जुलूस निकले वो उसमें ये सारे जो है धरनार्थी वो शामिल हो। और नहीं तो मैं समझता हूं कि इस प्रखंड के लिए नहीं, इस जिले के लिए एक बदनुमा दाग रहेगा कि आपने सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी आप फेल हुए। आप एक प्रदर्शन को नहीं रोक पाए, एक धरने को आप नहीं उठा पाए और 24 दिनों से जो धरना चल रहा है ये इंतजार का इंतहा है। और मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे बिस्तरी की बैठकें हो रही है, यहाँ शांति समिति की बैठकें हो रही है, यहाँ तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं, चौक चौराहों पे फ्लैग मार्च का आयोजन हो रहा है, फोटो शूट हो रहा है, अखबारों में छप रहे हैं। लेकिन ये लोग क्यों बैठे हैं, ये लोग कितने परेशान हैं, ये लोग अपने घर बार छोड़ करके बड़े बुजुर्ग और महिलाएं और बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी सूद लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इतनी निर्दयता प्राकृतिक भी बर्दाश्त नहीं करते, ईश्वर भी बर्दाश्त नहीं करता। और अभी जो अल्टीमेटम आया है कि अगर 30 तारीख तक अगर इस धरने के सूद किसी ने नहीं लिया और किसी ने कार्रवाई नहीं किया जो आश्वासन मिला है, तो 31 तारीख को तालाबंदी का भी कार्यक्रम ये लोग करेंगे जैसा कि ये लोग बता रहे थे।